देश में साफ सफाई को लेकर सरकारें हर स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे ही कूड़ा भी बढ़ रहा है। शहरों में घरों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला कूड़ा बड़ी समस्या बन रहा है। इस बीच कूड़े को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर की, तो जहां भी सर्वाधिक कूड़े के ढेर लगना शुरू हो गए हैं, जहां इसके निस्तारण को लेकर अभी तक कोई भी परियोजना नजर नहीं आ रही है। जिस लखनपुर को दुल्हन की तरह खूबसूरत लगना चाहिए, उसी लखनपुर के एंट्रेंस पॉइंट पे ही दरिया रावी के किनारे दिख रहे हैं कूड़े के ढेर। किसने सुनाई की नहीं, तो हमारा तो खाना हराम है, इधर जीना ही हराम है। तो घर में सारे ठीक हैं, सुरक्षित हैं? घर में बीमार तो नहीं? घर में नहीं, बीमार भी पड़ जाती है, इसकी वजह से बीमार भी है। अच्छा। वो भी है, देखते भी है, दवाई भी लेनी पड़ती है, बस करना पड़ता, इतनी बदबू तो बीमार तो होंगे। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से स्वच्छ भारत मिशन शहरी को लॉन्च किया गया था, जिसमें लक्ष्य रखा गया था कि शहरों को कचरा मुक्त किया जाएगा। वहीं अगर बात करें लखनपुर की, तो जहां गलियां तो कचरा मुक्त हो रही हैं, लेकिन कुछ ही दूरी पे लग रहा है कचरे का ढेर, जो कि आसपास के माहौल को भी खराब कर रहा है। आइए नजर डालते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं आपका मेजबान केशव मस्की और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24x7। दोस्तों, हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा जो है बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पूरे जिला भर में अगर बात करें तो महकमे की तरफ से, म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से जो है सभी को साफ सफाई रखने की जो है पुरजोर अपील की गई। जगह जगह पे स्वच्छता पखवाड़ा चलाए गए, सार्वजनिक स्थानों पे भी जो है वो साफ सफाई जो है की गई। लोगों ने भी इसको बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे ढंग से जो है स्वच्छता पखवाड़ा जो है वो मनाया। हम आपको बताते चलें कि इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर पे। आप देख सकते हैं कि जो शहर की गंदगी है, जिसका जिस तरीके से डीकम्पोज होना चाहिए था, वो किस तरह खुले में पड़ी है, आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं। बात करें जिला कठुआ की, तो जहां स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाया गया, वहीं पदाधिकारियों ने इस दौरान लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। लेकिन खुद लखनपुर म्युनिसिपैलिटी लगे इस कचरे के ढेर को खत्म करने के लिए हो रही है असफल। आप मेरे बिल्कुल ठीक पीछे देख सकते हैं कि जो एक पवित्र स्थान जो है शमशान घाट, जहां पे मुर्दों को जलाया जाता है, वो तकरीबन यहां से 10-20 मीटर की दूरी पे वाक्य है। लेकिन बावजूद इसके गंदगी के जो ढेर लगे हैं बिल्कुल इसके नजदीक लगे हुए हैं। यहाँ की जो गंदगी है ये कौन साफ करेगा, जिसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके से डिकम्पोज होना था वो तो खुलेआम में पड़ी है। कूड़े के ढेर से स्थानीय लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इस कूड़े के ढेर के लिए कभी कोई शिकायत की है, कभी कोई कंप्लेन की है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? बाबूदीन। ये जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कभी आपने बताया कि प्रशासन के? हाँ, बहुत मना किया, ये हमारे सुनी नहीं उन्हें। क्या बोलते? वो बोलते थे हम इधर ही छुटे हैं, कहाँ जाएंगे। आती है दुर्गंध वगैरह? आती गंध वगैरह बहुत, हम रोटी खाने में परेशान हुए। अच्छा, पानी नहीं पी सकते। पानी नहीं पी सकते? हाँ। कितनी देर से ये गंध जो है? ये तीन चार साल हो गए। तीन चार साल ऐसे ओपन में ही करते, ऐसे बस ऐसे करते करते इधर से आती है तो थोड़ा इधर धक्का दे देती है, बस ऐसे करती है तीन चार साल से। ठीक, कमेटी वाले को बोला, उन्हें भी आख्या वो नहीं, और जो सरपंच पंच वगैरह भी बोला वो भी उन्हें नहीं सुना। इधर ट्राली जो भी गाड़ी इधर फेंकता है,
हमने बहुत बार रोका तो वो बोलते हैं तुम्हारा क्या करेंगे तुम, तो हमारी इधर खबर लेने कोई नहीं आया, कोई किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं हमारे को पूछा। ये यहाँ से दरिया से सुरते सुरते हमारे घर के नज़दीक चले गए, हमारी किसी ने कोई सुनना ही नहीं की। हमारा इधर बैठना जीना भी हराम है, हमारा खाना भी हराम हो गया इधर। तो ये बदबू सारी रात को जैसे हवा आती है नेरी आती है सारी बदबू हमारे घर में जाती है। तो इन लोगों ने कोई नहीं सुनी, हमने कमेटी वाले को भी बोला, सरपंच पंच को भी बोला, हमारी कौन सी कमेटी वाले लखनपुर कमेटी वाले म्यूनसिपलिटी उनको भी बोला, किसी ने हमारी कोई सुनाई नहीं की। तो आपका बड़ा धन्यवाद है इधर हमारी को खबर पहुँचाने आया। कमेटी में तो हमारी सुनते नहीं, फिर हम क्या करना था? अच्छा, क्यों हमारी उन्हें पावर भी नहीं आया? अच्छा, नहीं सुन इधर ही छोड़ देते हो तो फिर हम क्या करना? इधर ही फेंक दे रहे हैं। कितने साल से फेंक दे रहे हैं? दो तीन साल हो गया। किसी ने सुनाई नहीं की? ना ये किसी ने नहीं सुना। ना ना वो इधर ही फेंक देते हैं, फिर हमने क्या करना? को लड़ना होगा किसी से। रहते कहाँ हैं? इधर सामने आओ कैमरा, इधर सामने। जिस लखनपुर को खूबसूरत होना था, जो कि जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार भी है, उस लखनपुर में लग रहे हैं एंट्रेंस पॉइंट पे कूड़े के ढेर। दोस्तों पीछे देख सकते हैं, यहीं से जो है जम्मू कश्मीर के अंदर ट्रेन का एंट्रेंस होता है, यहीं से इन्हीं पटरियों से ट्रेन जो है जम्मू कश्मीर की ओर आती है, और उसके आगे जो है वो है सड़क मार्ग। लेकिन हम लखनपुर में जो चीज़ स्थापित करना चाहते थे खूबसूरती, वहाँ पे लग रहे हैं कूड़े के ढेर, और ऐसे कूड़े के ढेर जिनकी दुर्गंध भी दूर दूर तक आने लगी है। स्टोरी करने का मकसद सिर्फ यही था कि यहाँ स्वच्छता पखवाड़ा चला करके लोगों को साफ स्वच्छता का जो है मैसेज घर घर जाता था, लेकिन ख़ास तौर पे जिनकी ये जिम्मेदारी है वो इस स्वच्छता का क्या कर रहे हैं, इस गंदगी को जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरज पे डिकम्पोज होना था और बकायदा इनका सेग्रीगेशन करके इसका हल निकलना था, वो यहाँ खुले में पड़े और गंदगी आप देख सकते हैं किस तरह बीमारियों को न्योता दे रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या कहना है। कूड़ा कम हुआ करता था तो नज़र नहीं आता था, अब कूड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं। वहाँ से हवा पानी जो ये हमारी तरफ आ रहा है, तो क्योंकि लोगों की तादाद बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है, तो कूड़ा भी बढ़ेगा। तो मैं सरकार से और म्यूनसिपैलिटी से ये गुहार लगाता हूँ कि आप इसके लिए कुछ ऐसा प्लान लगाएं कि जिसमें ये कूड़ा मेल्ट होकर कुछ और चीज़ें बन जाएं, क्योंकि ये तो एक दिल्ली की तरह पहाड़ बन जाएगा, क्योंकि लखनपुर टूरिस्ट प्लेस है और कूड़ा फेंकें भी तो फेंकें कहाँ, इनके लिए भी एक समस्या है म्यूनसिपलिटी के लिए। और म्यूनसिपलिटी के जो एक्टिव प्रेजेंट हमारे काकाराम जी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमने उनको पिछले चार दिन पहले से ही हमने उनको अल्टीमेटम दिया, मेमोरेंडम दिया कि ये जो कूड़े का ढेर है बहुत ज़्यादा पहाड़ बनने वाला है, तो प्लीज़ इसको आप जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई निवारण किया जाए। तो अगर वो निवारण नहीं करेंगे तो हम फिर हमारे पास एजिटेशन तो है ही है, सीधी सी बात है। तो ये हम कूड़ा हर गिज जहाँ पे लखनपुर में बर्दाश्त नहीं। ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए आप देखते रहें इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़। कैमरामैन अतुल रकवाल के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।